माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ द डायलाइजर एंड बेसिक ऑफ डायलाइजर मेम्ब्रेन एंड कैटेगरीज ऑफ द डायलाइजर. सो हियर यू कैन सी दिस इज ए हॉलो फाइबर डायलाइजर एंड द केस ऑफ द हॉलो फाइबर डायलाइजर इज नोन एज हाउसिंग. यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डायलाइजर का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग एंड मेड अप ऑफ द पॉलीकार्बोनेट. ये पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर का बना हुआ होता है. डायलाइजर में देखो दो इंड होते हैं. एक इंड को हम लोग बोलते हैं ब्लड इनलेट, जहाँ से मरीज का ब्लड डायलाइजर में जाता है, और दूसरा इंड होता है ब्लड आउटलेट, यानी जहाँ से ब्लड वापस मरीज के शरीर में जाता है. तो एक ब्लड इनलेट हो गया और दूसरा ब्लड आउटलेट हो गया. फिर ये पार्ट होता है डायलिसेट इनलेट का, यानी यहाँ से डायलिसेट डायलाइजर में जाएगा, और जो दूसरा यहाँ का एंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसेट आउटलेट. एंड यू कैन सी दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द डायलाइजर. ये डायलाइजर की मेम्ब्रेन है. इसको हम लोग एक डायग्राम और कुछ थ्योरेटिकली पार्ट के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं. तो पार्ट्स ऑफ डायलाइजर में सबसे पहले आपका आता है पॉटिंग कंपाउंड. ये मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखे हुए होता है. फिर नेक्स्ट आता है आपका मेम्ब्रेन, जो कि तीन तरह की होती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. फिर आता है आपका हाउसिंग पॉलीमर, जो आपको मैंने दिखाया है पीछे, वो हाउसिंग पॉलीमर होता है जो कि बना होता है पॉलीकार्बोनेट का. उसके बाद इनलेट फॉर ब्लड होता है, आउटलेट फॉर ब्लड होता है, वो पता ही है. फिर ये इनलेट फॉर डायलिसेट होता है और दूसरा आउटलेट फॉर डायलिसेट होता है. तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो आपका होता है हाउसिंग. ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है हाउसिंग. फिर जो बीच में आप पूरा ये रेड पार्ट देख रहे हैं, ये आपका होता है फाइबर्स. तो एक तरफ से ये जो हेडर कैप देख रहे हैं आप, इधर से पेशेंट से ब्लड आता है, और इधर से जो आप देख रहे हैं इधर से पेशेंट को वापस ब्लड चला जाता है. डायलिसेट इन आपका ये देख रहे हैं आप, और डायलिसेट आउट आपका ये होता है. ये हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, यानी ब्लड अगर इस तरफ से जा रहा है तो डायलिसेट हमेशा इधर से इस तरफ मूव करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूजन हो सके, मैक्सिमम डिफ्यूजन के लिए. डायलाइजर मेम्ब्रेन की देखो अगर हम बात करें, तो डायलाइजर मेम्ब्रेन देखने में कुछ इस तरीके से लगती है. जब आप इसका कट करते हैं तो देखने में आपको इस तरीके से दिख जाएगी. अब देखो डायलाइजर जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डायरेक्ट पेशेंट के ब्लड कॉन्टैक्ट में होती है, इसलिए मेम्ब्रेन का बायो कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी होता है. बायो कंपैटिबल मीन्स कि हार्मलेस टू द बॉडी, यानी हमारे शरीर को जो कोई हार्म ना पहुंचाए उसको हम लोग बोलते हैं बायो कंपैटिबल. और डायलाइजर मेम्ब्रेन का बायो कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी होता है. मेम्ब्रेन टाइप्स की अगर बात करें तो देखो, एक होता है सेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, दूसरी होती है सेमी सिंथेटिक, या जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड सेलुलोज. इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज एसीटेट. और फिर जो तीसरी मेम्ब्रेन है वो होती है सिंथेटिक, जिसका एग्जाम्पल है पॉलीसल्फोन. अगर कैटेगरीज़ की हम बात करें तो देखो, कैटेगरीज इसकी तीन तरह की होती है. एक कन्वेंशनल डायलाइजर होता है, दूसरा होता है हाई एफिशिएंसी डायलाइजर, और तीसरा होता है हाई फ्लक्स डायलाइजर. इसके बारे में डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. डायलाइजर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो देखो, कॉइल डायलाइजर होता है दूसरा, ये जो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है. इसका ड्रॉबैक ये था कि इसका जो रेसिस्टेंट था वो काफ़ी हाई था, और इसमें ब्लड लीक काफ़ी ज़्यादा होता था. दूसरा जो आपका आता है पैरेलल प्लेट डायलाइजर, जो कि देखने में इस तरीके से होता है, इसका ड्रॉबैक भी कुछ इसमें था. जैसे इसमें ब्लड फ्लो वो अनइवन होता था, यानी कहीं पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता था, कहीं पे ब्लड फ्लो बहुत कम होता था. तो बाद में इसमें टीएमपी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था. और फिर नेक्स्ट है आपका हॉलो फाइबर डायलाइजर, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं. डायलाइजर के बारे में ये बहुत ही बेसिक बात थी, डिटेल वीडियो मैं इसका और भी डालूंगा. ये तीन पार्ट इसके अंदर और आने बाकी हैं, मौका लगेगा तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगा.